बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कुक विद शावी। तो आज मैं आपके लिए बड़ी डिलीशियस चिकन शाशलिक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखें, हमें ये सब चीज़ें चाहिए हैं शाशलिक के लिए। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक यूज़ किया है। 3 से 4 टेबल स्पून केचप यूज़ किया है, ठीक है। साथ ही मैंने 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून तक मैंने विनीगर यानी सिरका लिया है। और साथ ही मैंने देखें 1.5 पाव के करीब ही चिकन लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। देखें, यूँ ये चिकन हो गई। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, ये देखें 3 टमाटर लिए हैं। इसे हम बॉईल करेंगे देन ग्राइंड करेंगे, ओके, ये हो गया। इसके अलावा मैंने कुछ खुश्क मसाले यूज़ किए हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई, और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है भरकर। तो ये हो गए खुश्क मसाले, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर, मैं आपको बताती चलूँ, कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, यानी कि देखें, ये मैंने प्याज ले ली, एक बड़ी प्याज थी, मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है, और एक शिमला मिर्च ली है बड़ी, इसे क्यूब्स में काट लिया, और एक टमाटर उसे भी क्यूब्स में काट लिया है। तो ये 3 चीज़ें ली हैं, ठीक है, शिमला, टमाटर और प्याज। और साथ ही देखें, मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसे हम बाद में पानी में ऐड करके पेस्ट बना लेंगे। तो देखें, सबसे पहले चिकन मैरिनेट करते हैं। तो चलें चिकन में सब चीज़ें ऐड करके मैरिनेट करते हैं। ये देखें, हमने चिकन ले ली, 1 बाय 1 हम सब चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हर चीज़ हमें हाफ़ ऐड करनी है, यानी कि देखें, अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी हम हाफ़ ऐड कर देंगे और हाफ अपने शाशलिक की ग्रेवी के लिए रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। साथ ही सोया सॉस मैंने आपको बताया था 4 टेबल स्पून है, तो हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून ऐड हो गया, बाकी हम शाशलिक के लिए रखेंगे। ये भी देखें, 2 टेबल स्पून लिया है, तो हम 1 टेबल स्पून और हाफ इसमें ऐड कर देंगे, बाकी हम शाशलिक के लिए रखेंगे। सिरका भी हम हाफ इसमें ऐड कर देंगे, हाफ शाशलिक के लिए रख देंगे। और इसी तरीके से हमें ये खुश्क मसाले भी यूं ही करने हैं, कि कुटी हुई लाल मिर्च भी हम, नमक है वो भी हम हाफ ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुटी हुई लाल मिर्च भी हम हाफ यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चिकन में भी हर चीज़ के मसाले जो हैं उस फ्लेवर आ जाएगा, और साथ शाशलिक में भी, इसलिए हम हाफ हाफ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, कुटी हुई काली मिर्च यानी कि क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये हो गई। देखें, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। तो बस ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमें क्या करना है कि इसे मिक्स करना है। तो फिर चलें मिक्स करते हैं हम इन सब चीज़ों को, ताकि चिकन में हर चीज़ का फ्लेवर आ जाए। तो चलें मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें इसे स्पून की हेल्प से। तो ये देखें, हमारी चिकन हमने अच्छी तरीके से सब मसाले ऐड कर दिए, और ये अब मैरिनेट करेंगे हम हाफ आवर तक, ठीक है, आधा घंटा मैरिनेट करेंगे। तो चलें फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो ये हमारे टमाटर है वो हम बॉईल कर लेंगे। तो चलें फिर बॉईल करने के बाद मिलते हैं। ये देखें, टमाटर बॉईल हो गए हमने कर लिए, अब इसकी स्किन है वो आसानी से निकल जाएगी, यूँ देखें। तो हम इसकी स्किन निकाल देंगे, गरम बहुत ज़्यादा है, देखें धुआँ निकल रहा है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसको निकालती जा रही हूँ। बस फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलें फिर ग्राइंड करते हैं। ये देखें, टमाटर ग्राइंड हो गए। तो ये देखें, ये हमारा टमाटर का पेस्ट है वो, और केचप, इसे हम मिक्स कर देंगे। बस अब इसे अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर लें स्पून की मदद से, तो ये क्या एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, हमारा मिक्सचर इसका रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमने पैन रखा, सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि हमें अपनी शाशलिक रेडी करनी है। अब ऑयल ऐड करने के बाद आप आयत भी पढ़ लें, लैसलह मिन दुनिल्लाहि काशिफा, साथ आप इसे गर्म होने दें। तो चलें इसे गर्म करते हैं। देखें, ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था वो ऐड करेंगे, हाफ हमने चिकन में ऐड कर दिया था। तो चलें, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड हो गया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे फ्राई करेंगे। तो चलें फिर फ्राई करते हैं इसे।
अच्छा, इसे हमें गोल्डन कलर देना है, ठीक है? तो बस फ्राई करते जाएं आप अच्छी तरीके से, साथ दुरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चलें इसे गोल्डन होने देते हैं। ये देखें, ये गोल्डन हो गया। बस अब इस स्टेज पर हम अपनी जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो ऐड कर देंगे, जिसे हमने हाफ आवर मैरिनेट किया है, ठीक है? तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, 2 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, ठीक है? ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से चिकन में लग जाएं। तो बस हाई फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई करें केयरफुली, ऑयल उड़ सकता है आप पर अच्छी तरीके से, ठीक है? तो बस इसे हम 2 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बस अच्छी तरीके से स्पून लाते जाएं और चिकन फ्राई करते जाएं। तो ये बहुत मज़े का बनता है, जिस तरीके से मैंने बता रही हूँ मैं आपको, इस तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो देखें, ये हम अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। तो देखें, 2 मिनट्स तक हमने हाई फ्लेम पर पका दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट्स तक लिड लगा देंगे और स्टोव है वो स्लो कर दें, इसकी फ्लेम आप स्लो कर दें और 10 मिनट्स तक कुक करें इसे। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। देखें, 10 मिनट्स हो गई है, हमने लिड हटाई माशाल्लाह से। देखें, ये हमारी चिकन है, उसमें सब मसाले अब आ चुके हैं। अब हम वन बाय वन अपनी हर जो चीज़ें थी वो ऐड करते जाएंगे। थोड़ा मिक्स कर लें आप इसे। इसे मिक्स करने के बाद हम अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, ठीक है? तो चलें, इसे हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले जो हमने टोमेटो पेस्ट और केचप को साथ करके जो मिक्सचर रेडी किया है वो हम ऐड कर देते हैं, ये रहा। तो बस ये ऐड कर दें अच्छी तरीके से, स्पून की मदद से पूरा बाउल में से निकाल लें। और इसे ऐड करने के बाद हमें क्या करना है कि इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे, ये देखें यूँ, ताकि हमारा जो टोमेटो पेस्ट है वो भी अच्छी तरीके से इसमें उसका भी टेस्ट आ जाए। इसे मिक्स करने के बाद हम जो मसाले हैं जो हमने हाफ हाफ बचा लिए थे वो हम ऐड कर देंगे, यानी कि सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, वो बस वो ऐड कर दें। अगेन मिक्स कर लें। तो ये बहुत झटपट बन जाता है, ज़्यादा काम बस मैरिनेट का है, बाकी अच्छी तरीके से बन जाता है। देखें, अब हम जो अपना सोया सॉस था वो ऐड करेंगे। सोया सॉस के बाद हमने चिल्ली सॉस लिया था, वो भी हम चिल्ली सॉस ऐड कर देंगे। साथ ही जो हमने सिरका लिया था वो भी ऐड कर देंगे, सिरका देखें। और हमने चिली गार्लिक यहाँ पर लिया था 1 टेबल स्पून करीब, वो ऐड कर देंगे। तो देखें कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, झटपट बन जाता है ये शाश्लिक। आप चिकन मैरिनेट करें और फिर फटाफट रेडी कर लें। अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें आप। देखें, हम इसे फ्राई करते जा रहे हैं अपनी हर चीज़ों को। तो बस जब हम ये इसमें कर लेंगे तब हम, देखें मैं आपको शुगर बताना भूल गई थी, 1 टीस्पून करीब मैंने शुगर इसमें ली है, ठीक है? वो भी ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा फ्राई कर लें ताकि शुगर भी इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और इसे अच्छी तरीके से स्पून को चलाते रहें चलाते रहें। देखें कितना अच्छा फ्लेवर इसका भी सही आ चुका है। बस अभी हम अपनी सब्ज़ियाँ अब इसे में ऐड कर देंगे। तो बस चलें फिर सब्ज़ियाँ ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि सब्ज़ियों को आपको ओवर कुक नहीं करना। सब्ज़ियाँ हमने देखें ऐड कर ली, तीनों जो थी शिमला प्याज, और इसे हम 2 मिनट्स तक पकाएंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, आपको बिल्कुल सॉफ्ट सी जो हो जाती है वैसी हमें नहीं चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ही हमें 2 मिनट्स तक बस फ्राई करना है बस। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर था उसमें पानी ऐड करके हमने इसमें वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून था, हमने इसमें 2 टू 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके एक मिक्सचर बना लिया और फिर इसमें ऐड कर दिया। देखा कितना, इससे क्या होता है, कॉर्नफ्लावर से जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बनती है। तो देखें ग्रेवी, देखें थिक लग रही है ना आपको अभी से। तो बस अब हमारे ये जो शाश्लिक है वो रेडी है, अब इसमें हम 2 मिनट्स तक लिड लगा देंगे। देखें 2 मिनट्स हो गई है, अब हम हटाते हैं अपने लिड केयरफुली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये हमारा शाश्लिक ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। तो बस फिर अब इसे हम फ्राइड एग राइस के साथ सर्व करेंगे। ये शाश्लिक रेडी हुआ, चलें अब सर्व करते हैं राइस के साथ।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में जो मेरा चैनल है कुक विद शेफ़ी, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।